नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चारा घोटाला के एक और मामले में दोषी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद समेत 16 आरोपियों की सजा पर गुरुवार को फैसला आ सकता है। बुधवार को भी सुनवाई हुई पर दो वकीलों के आकस्मिक निधन के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। लालू को कोर्ट से वापस जेल भेज दिया गया। इन दिनों जेल में लालू यादव को कांग्रेस के पूर्व विधायक सावना लकड़ा, पूर्व मंत्री राजा पीटर, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, झरिया के बीजेपी विधायक संजीव सिंह का साथ मिल रहा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में उच्च श्रेणी कैदी के लिए कुल 10 डिवीजन वार्ड बनाए गए हैं। इनमें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो उच्च श्रेणी के कैदी को मिलनी चाहिए। डिवीजन वार्ड में पहले से 5 कैदी थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद छठे हैं। लालू यहां 23 दिसंबर की शाम से हैं। आपको बता दें कि लालू के पड़ोसी कैदियों में से कांग्रेस के पूर्व विधायक सावना लकड़ा को छात्र अविनाश की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। झरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने चचेरे भाई व धनबाद के पूर्व मेयर नीरज सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा है। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। झापा विधायक एनोस एका विचाराधीन कैदी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पारा टीचर मनोज की हत्या का षड्यंत्र रचा है। जेल में लालू के पड़ोसी झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर विचाराधीन कैदी हैं। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है। पूर्व विधायक कमल किशोर भगत को 7 साल की सजा मिली हुई है। शहर के मशहूर डॉक्टर के सिन्हा पर रंगदारी के लिए जानलेवा हमला का आरोप सिद्ध हो चुका है।